हेलो दोस्तों, अचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। आज है अगस्त की 21 तारीख। वीडियो की शुरुआत खूबसूरत कोलियस से। इसका कलर वेरिएशन बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए, कटिंग से मैंने इसे तैयार किया हुआ है। कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग 8 से 10 दिनों में तैयार हो जाती है, और पानी में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, इसकी कटिंग को, और मिट्टी में भी। और ये देखिए, एक और वैरायटी येलो कलर का, और इधर भी 3-4 कोलियस के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो कोलियस के पॉट तैयार करूंगी, लगभग 6-7 कोलियस के प्लांट हैं मेरे पास। और अभी कुछ दिन पहले मैं अपने ट्रेनिंग में गई थी, तो वहाँ ऑफिस में कोलियस के प्लांट्स लगे हुए थे, तो वहाँ से भी मैंने ये कटिंग्स तोड़ के लगाई हूँ। ये देखिए, ये 4 कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, और इनको मैं वहीं से लेके आई हूँ। मेरे पास था ये पहले, और धीरे धीरे ये ख़राब हो गया था, तो मैं वहाँ से लेके आ गई। और ये वाला देखिए, लेपर्ड लिली का प्लांट है, ये फ्लावरिंग वाला लेपर्ड लिली। ये भी बल्ब से तैयार होता है, और इसके पत्ते काफ़ी सुंदर होते हैं। रेनी सीजन में इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, स्टीक निकलती है और फ्लावर्स आते हैं। इसका वीडियो है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर शो प्लांट अरेलिया। कल मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था, आज मैं एक प्लांट को रिपॉट करूँगी। रिपॉटिंग तो नहीं दिखाऊँगी, प्लांट्स आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए, स्थल कपल में कलियां बन गई है, अब इसमें फ्लावरिंग होगी। यहाँ गुलाब में भी फूल खिल रहे हैं छोटे छोटे। अभी रेनी सीजन है तो फ्लावर्स छोटे हैं, और विंटर सीजन में इसके फ्लावर्स बड़े साइज में हो जाते हैं। और यहाँ जीनिया है देसी वाला, ये देखिए वाइट कलर का। फ्लावर्स थोड़े कम हो गए हैं अभी, और एडेनियम में फिर से फ्लावरिंग हो रही है। अभी बीच में इसमें फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, पत्तों का ग्रोथ ज़्यादा था। और ये देखिए, ये अपराजिता, ये देखिए कितना सुंदर डबल पेटल वाला। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मेरे सारे अरेलिया के प्लांट है, और ये गोल्डन अरेलिया है। इसकी 3 कटिंग मैंने तैयार कर ली है, और एक तो नीचे क्यारी में भी लगा हुआ है ज़मीन में, एक कटिंग वो भी तैयार हो गया है। कल के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए, ये कितना प्यारा दिखता है, काफ़ी घना हो जाता है ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं वो। और मुझे पर्सनली ये वैरायटी बहुत पसंद है। ये देखिए, इसका स्टेम भी अच्छा मोटा हो जाता है, और ये कटिंग से तैयार प्लांट है, और साल भर भी नहीं हुआ होगा इसकी कटिंग लगाए हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फरवरी मंथ में इसकी कटिंग लगाई थी, फरवरी मार्च में। और यहाँ पर भी देखिए, ये 3 कटिंग मैंने गड़ा दिया था, और तैयार हो गई है ये बहुत बढ़िया से। और ये इसी में कोलियस का प्लांट भी लगा हुआ है, छोटे पत्तों वाला कोलियस है ये, इसकी भी कटिंग मुझे लगानी है। इस प्लांट को ही मैं हटाऊंगी आज। और दूसरा वैरायटी ये है, ये देखिए, ये वेरीगेटेड अरेलिया, इसी को मुझे रिपॉट करना है। ये छोटे से 1 लीटर के डब्बे में लगा हुआ है, जो पेंट वाला डब्बा आता है 1 लीटर का, वही है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इम्पेशन भी लगा हुआ है, और ठंड वाला इम्पेशन का प्लांट है, अभी तक चल रहा है। और इसको मुझे बचा के रखना है, अगर ये बच जाता है तो विंटर के लिए मेरे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे कटिंग से। और ये तीसरा वैरायटी ये है, ये देखिए, इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, वेरिगेशन है इसमें भी, और थोड़े से बड़े पत्ते हैं। ये देखिए, ये वाला, ये भी वही है, और इसकी भी मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। बहुत आसानी से इसकी कटिंग चलती है। देखिए, 2 प्लांट यहाँ रेडी हो गए हैं, और भी है, आगे वीडियो में उसको दिखाऊंगी मैं, उस तरफ रखा हुआ है। और एक चौथा ये वाला अरेलिया, इसके पत्तों का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। दोनों का कलर तो एक जैसा है, लेकिन पत्तों का
जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो चार प्रकार के अरेलिया के प्लांट मेरे पास हैं। इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है, खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती इसको। साल में एक या दो बार आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल दीजिए फरवरी के मंथ में और अक्टूबर, या फिर साल में एक बार बस आप फर्टिलाइज़र दीजिए फरवरी के मंथ में, बाकी समय तो ये बहुत बढ़िया ग्रो कर लेता है। और विंटर सीजन में थोड़ा सा रेस्ट पीरियड रहता है, रेनी सीजन और समर सीजन में इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। सबसे अच्छी ग्रोथ तो रेनी सीजन में होती है इसकी। तो ये प्लांट धूप इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, एक आध घंटे की सनलाइट मिले ऐसे जगह पर रखे, और फुल सनलाइट में भी ये चलता है, क्योंकि दो तीन प्लांट ऐसे हैं जो मेरे फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। ये देखिए ये वाला, ये सब ऐसे प्लांट है ऐसे जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर दिन भर की सनलाइट मिलती है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको मैंने एक दो घंटे की सनलाइट मिले ऐसे जगह पर रखा हुआ है। तो ये फुल सनलाइट में भी चल जाता है और कम सनलाइट में भी ये अच्छे से चल जाता है। पानी, नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, और इंसेक्ट का अटैक तो ज़्यादा इसमें नहीं होता, फिर भी समय समय पर यदि आपको लगता है कि इंसेक्ट वगैरह लग रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं इनमें, और बहुत बढ़िया दिखता है ये। एक हैज जैसे भी आप इसको लगा सकते हैं बहुत सारे गमले तैयार करके। और यहाँ पर एक और प्लांट आपको दिखाती हूँ, वो भी काफ़ी बड़ा है, ये देखिए। फेंकने का मन नहीं होता इसलिए मैंने लगा लगा के रखा हुआ है अरेलिया का प्लांट। ये देखिए, ये बड़ा साइज का अरेलिया का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो गया है और बड़े पॉट में भी लगा हुआ है। तो आपको भी यदि इस प्लांट की कटिंग कहीं से भी मिलती है, पार्क वगैरह में ज़्यादातर रहता है ये प्लांट, तो वहाँ से छोटी सी कटिंग लाकर अभी रेनी सीजन में आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए पॉट की भी ज़रूरत, छोटा बड़ा किसी भी पॉट में ये चल जाता है। तो आज की वीडियो में यही शेयर करना था। मिलते हैं, हैप्पी गार्डनिंग।